हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल एंड फूड विद त्रिश में आप सभी का और एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले ब्लॉग में आप लोग लास्ट टाइम देखे थे कि हम लोग बाज़ार से आए थे और बाज़ार से आने के बाद होल डे हम लोग पूरी में कैसे बिताए, तो वो आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग बाज़ार से फिश लेके आए हैं। तो आज का मेनू बनेगा पाशे, प्रॉन एंड ये है पॉम्फ्रेट। फ्रेंड्स देखिए, आज मेरा लंच रेडी है, प्रॉन करी एंड शोर से बना हुआ पॉम्फ्रेट फिश एंड पाशे मच फ्राई। तो लंच रेडी के साथ साथ अभी हम लोग चलेंगे समंदर, क्योंकि समंदर बिना पूरी तो पूरा अधूरा है। तो चलिए समंदर में जाके एंजॉय करते हैं और वहां पे आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो पूरी में बहुत ज्यादा भीड़ है, आप लोगों को दिखना पड़ेगा। बीच में देखिए पूरा भर गया है, बहुत ज्यादा क्राउड है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा था इतना गर्मी नहीं होगा। थोड़ा नहाते हैं अभी। तो सच पूछिए तो समंदर का पानी जब पैर में लगता है ना, सच्ची में पूरी में इतना गर्मी था वो झट से भूल गए थे। और समंदर का पानी इतना इतना ठंडा था कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। और पूरी का वेव सच्ची में कोई भी समंदर में नहीं मिलता है, इतना बड़ा बड़ा वेव, जो कि मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। तो इसके बाद आ गया मेरा हस्बैंड, देखिए वो है मेरा हस्बैंड, हाँ। और वो आने के बाद मज़ा तो कुछ दुगना ही हो गया और दोनों मिलके समंदर में बहुत बहुत एंजॉय किया। और दोनों को ही दूर में जाना बहुत डर लगता है, देखिए पीछे सब कितना दूर चला गया है, मुझे तो देख के बहुत डर लगता है। सामने में हम लोग ठीक थे और हम लोग बहुत मज़ा किए। इसके बाद हम दोनों मिलकर समंदर में बहुत 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 ज्यादा एंजॉय किए। आफ्टर लॉकडाउन में पूरी में पहली बार आई और आते ही देखा पूरी में इतना ज़्यादा भीड़ है, जैसे लग रहा था कोरोना बोल के कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ था, आप लोग देख ही पा रहे हो मेरे राइट साइड और लेफ्ट साइड में इतना इतना ज़्यादा क्राउड था। मैं जहाँ पे उतरी हूँ समुंदर में, वहाँ पे भीड़ थोड़ा कम था बोल के मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही थी। पूरी का खासियत तो यही है कि पूरी में जो भी आते हैं ज़्यादातर फैमिली मैन रहता है, और जो जो फैमिली मैन यहाँ पे थे सब खुद का फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। देखिए कितना सब, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, अब खुद खुद सब अपने अपने एंजॉयमेंट पे हैं।
तो ये देखिए कैमल महाराज यहाँ पे विराजमान है, और जो जो चाहते कैमल में चढ़ना वो लोग सब भी कैमल पे चढ़ रहे थे, लेकिन मैं नहीं चढ़ी क्योंकि मुझे लगा कि मैं धूप में नहीं चढ़ूंगी, थोड़ा शाम पे ही कैमल को ट्राई करेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा नहा के आया, अभी बहुत टायर्ड हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा नारियल पानी तो बनता ही है पूरी जगह में, तो हम लोगों को तो बहुत पसंद है। ये बात वो भी नारियल खाते खाते आ गया मधुर मोहन जो की पूरी का बहुत ही फेमस मिठाई है और मेरे हस्बैंड को तो बहुत भाता है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो वो देखिए रेड कलर का पीछे हम लोगों का होटल पेलाभूमि, जो कि समंदर का एकदम नजदीक है, समंदर रोड और हम लोगों का होटल, और देखिए बाजू में कितना सारा होटल है। ये जो जगह है ना बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा है, और देखिए बीच में कितना ज्यादा भीड़ है, सब बैठे हैं जैसे जैसे एंजॉय कर रहे हैं, कोई बैठ के कोई नहा के, जो भी जैसा है सब सबके तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और मैं अभी जा रही हूँ 2 घंटा नहाने के बाद। तो होटल में जाने के बाद हम लोग लंच कर लिए क्योंकि शाम को हम लोगों को बहुत जल्दी निकलना है, और शाम को फिर मिलते हैं स्वर्गोत्तर मार्केट। तो अभी हो चुका है शाम और हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं स्वर्गोत्तर मार्केट। तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है, जैसे कि मैं पहले ब्लॉग में आप लोगों को बोल चुकी थी कि पूरी में अभी बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो नेचुरली मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। तो देखिए मार्केट के बाएं दाएं तरफ बहुत सारा स्टॉल है, खाने का स्टॉल, दुकान, बहुत सारा चीज़ें, दोनों तरफ बहुत बहुत दुकान है जहाँ पे आप लोगों को शॉपिंग करने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। और ये है चैतन्य का स्टैचू जो कि पूरी का फेमस लैंडमार्क है।
पूरी में आए थे तब शमशान इतना ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं था, लेकिन इस साल आके देखा कि शमशान भी बहुत अच्छा डेकोरेटेड किया हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए आप लोग बाहर से बहुत बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी हो गया है मेरा शॉपिंग कंप्लीट, तो चलिए अभी आप लोगों को शेयर कराते हैं सी बीच। तो देखिए नाइट का व्यू सी बीच कैसा लगता है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करते हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, थोड़ा लोड शेडिंग हो चुका था लेकिन अभी आया है काफ़ी। अभी हम लोग बीच में आए हैं और अभी यहाँ पे थोड़ा अंधेरा, थोड़ा करंट ऑफ हो गया था लेकिन अभी आ गया है शायद, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो देखिए सामने समुंदर कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग लाए हैं चिकन पकौड़ा, अभी खाएंगे चिकन पकौड़ा, नहीं चिकन लेग पीस। तो चलिए अभी करते हैं इम्पोर्टेंट एक काम, वो है फोटोशूट। तो पुरी में आए हैं तो सी फिश तो बनता ही है, सी फिश का जो तंदूर बनता है ना वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, उसके ऊपर नींबू निचोड़ के नमक दे के। चलो ट्राई करते हैं। ये जो हम लोगों का होटल है यहाँ से सी बीच कितना नज़दीक है आप लोग देखिए, दिखाओ थोड़ा। ये देखो रोड और वहाँ है समुद्र। ये मुझे ये होटल सब कुछ है, इसके नीचे एटीएम है, मिया मॉल है, एवरीथिंग सब कुछ है यहाँ। सारा दिन सारा रात पूरा एकदम सन्नाटा कभी भी नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में प्रभु जगन्नाथ का दर्शन आप लोगों को करवाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब 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 करना मत भूलिएगा। राइट साइड में जो बेल आइकन है प्लीज उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।